अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं जावेद नाग, पंचायत देवल ए, तहसील मोहर, डिस्ट्रिक्ट रियासी। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि पीडीडी डिपार्टमेंट के हमारे यहाँ उन्होंने पोल दिए, पोल लोगों के घरों में रखे हैं, लेकिन अभी तक लाइट नहीं है। क्यों नहीं है? जब इतना इतना इंडिया डिजिटल इंडिया होने का दावा कर दिए, तो क्या ये एक ब्लॉक गुलाबगढ़ है जिसमें अभी तक लाइट नहीं है? गुलाबगढ़ के नाम से तो लाइट आई है, गुलाबगढ़ के नाम से तो लाइट दी है, कुछ जो है कुछ पंचायतों में लाइट है, बाकी पंचायतें कुछ जो है वो खाली है। लाइट तो गुलाबगढ़ के नाम से मतलब सेंटर से आई है, लेकिन अभी पूरी लाइट नहीं है। आज बोल रहे तो कल लगेगी, कल बोल रहे तो परसों लगेगी। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं इन लोगों से कि जल्द से जल्द हमारी जो लाइट है लाइट लगवाए, क्योंकि अभी भी गुलाबगढ़ के जो बदनसीब लोग हैं वो अंधेरे में लकड़ी लाके और लकड़ियां जलाते हैं। क्या यही सरकार तो बोल रही है हम वो कर रही है ये करें, क्या कर रही है सरकार? इस सरकार को ये देखना चाहिए था कि गुलाबगढ़ जो गुलाब जहाँ पे गुलाब सिंह रहता था, गुलाब सिंह का किला था, वहाँ जब लाइट नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है इस सरकार का? मैं गुजारिश करता हूँ इन अफसरान साहिबान से कि SDM साहब मोहर से गुजारिश करता हूँ PDD डिपार्टमेंट से बात करके, और गुलाबगढ़ में जितने भी पहुँचाते बिना लाइट के है, लाइट जल्द से जल्द लगवाई जाएगी, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद मैं एक बात फिर करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लॉक गुलाबगढ़ जो है, इसमें पंचायत देवल एक ही बात कर रहा हूँ, पैसा जो भी आया जिस काम का भी आया तो ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हुए, ना वो पैसा है। कहाँ गया ये पैसा? मैं इन अफसरान साहिबान से रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो ज़रा देखो ये पैसा आया लेकिन गया कहाँ? कितना पैसा आया इस पंचायत के लिए? मैं हर पंचायत की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे हर पंचायत से जो है, अब मैं हमारी जो मैं मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कितना पैसा आया, कितना ग्राउंड लेवल पे लगा और कितना हड़प हुआ है, वो सब रिकॉर्ड हमारे पास जमा है। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये काम तो सरपंच साहब और पंच साहबों का था कि इस पैसे को देखना कहाँ से आया, कितना पैसा आया और गया कहाँ, लेकिन अभी तक ना ये पूछताछ हो रही है ना ये पैसा ग्राउंड लेवल पे है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, अभी यहाँ तो जो लाइट है, लाइट भी हमें जल्द से जल्द दिया जाए, और जो ये पैसा है, मैं गरीब लोगों से ये अपील करता हूँ कि गरीब लोगों को जागना चाहिए, इसमें तवज्जा देना चाहिए, जितना भी पैसा आया है उसको मतलब रिकवर करना है हमने। ऐसे छोड़ देंगे तो आज छोड़ देंगे, कल फिर से काम आएगा तो फिर हड़प हो जाएगा, तो ये चलता रहेगा जब तक ये चोर हुकूमत रहेगी, क्योंकि ये हमने जो भी बनाया यहाँ पे मतलब सब चोर हैं। अगर ऑफिसर साहिबान इनसे क्या बोलते हैं पूछते नहीं है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं ब्लॉक गुलाबगढ़ पंचायत देवल को, लेकिन जाता कहाँ है, इस पे तो गौर करो, लेकिन कोई गौर नहीं कर रहा है। अब हम यूथ कमेटी जो बनाई है, इंशाल्लाह हम हमारे पास पूरा जो है रिकॉर्ड है, इंशाल्लाह हम इस पे पूरी कार्रवाई करेंगे और गलत सही को हम सब सबूत लोगों के सामने रखेंगे, वैसी बात नहीं है। शुक्रिया, वादा। हाँ।